हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधना आर्ट एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर कोकोनट स्केचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बनाने के लिए। सबसे पहला आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा रफ स्केच करने के लिए, ठीक है? तो ऐसे सर्कल बनाइए जैसे मैं बना रहा हूँ, लाइटली करना, बिल्कुल भी डार्क मत करना। फिर दो लाइन्स बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके साइड से हम लोग ऐसे स्केच कर लेंगे सर्कल। ओके, आराम से करो, कोई घाई नहीं है। उसके बाद आपको उसके अपर पोर्शन को स्केच करेंगे जैसे मैंने अभी किया है। ओके, और सारी चीज़ें एकदम लाइट बनाएंगे, ध्यान रखना। फिर बीच वाली जो लाइन है, हम लोग उस लाइन से एक ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि आगे का पोर्शन होगा। फाइन, उसके बाद मैं फाइनल स्केच करूँगा उसको ठीक से। ये मैंने फाइनल स्केचिंग कर ली है। ओके, आई होप यू कैन सी द कोकोनट फिगर, आपको काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, राइट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कलरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कलर करने के लिए आपको लगेगा ब्राउन कलर पोस्टर में, फिर क्रोम येलो, फिर येलो ऑकर, उसके बाद वाइट कलर लगेगा। देख लेना स्क्रीन पे, कुछ कलर्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? राइट, ये मैंने कलर प्लेस कर दिया ताकि आपको कैमरा में विजिबल हो। ये कलर आपको चूज करने हैं टू कलर द कोकोनट। फाइन, काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको सीखने में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पैलेट में ले लेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा कलर। ओके, सारे कलर ले लेंगे पैलेट में और स्टार्ट करते हैं कलरिंग। ये मैंने ले लिया सबसे पहला ब्राउन। ब्रश आपको लगेगा 0 नंबर का। ओके, हमेशा सजेस्ट करूँगा 0 नंबर का ब्रश यूज़ करना ताकि आपका ड्राइंग काफ़ी अच्छे से बने, और इससे क्या है ना, थोड़ा सा स्पीड भी हो जाता है हमारा ड्राइंग। ओके, तो कलरिंग में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी आराम से कर लोगे। देख लो जैसे मैंने किया है, नीचे से हम लोग डार्क शेडिंग करना चालू करेंगे क्योंकि हम लोग ने कोकोनट को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है। फाइन, ठीक है, आराम से करो, फिनिशिंग लाओ उसमें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। नेक्स्ट, ऊपर पोर्शन में भी वही करेंगे। देख लेना मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है, क्लियर है? सी, वेरी सिंपल। फिनिश वर्क करना, अच्छे से करना। अभी क्या करेंगे, येलो ऑकर करेंगे लेकिन टॉप पोर्शन से करेंगे। रीजन क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका जो शाइनिंग होता है वो होता है बीच वाले पार्ट से। ओके, तो ये मैंने येलो ऑकर किया है। इजी, आराम से करो, कोई घाई नहीं हमको। ओके, सेम जैसे हम लोग ने ब्राउन किया था वैसे ही आगे थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे वाइट कलर का, लीव सम गैप। सेम थिंग डू इट हियर ऑल्सो ऑन द टॉप पोर्शन। फाइन, ओके, वेरी गुड, डू इट, आराम से करो। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रोम येलो में वाइट मिक्स करेंगे, लाइट क्रोम येलो बनाएंगे और बीच में प्लेस कर देंगे। ओके, वाइट मिक्स किया है मैंने इसमें, तो ध्यान देना कलर का पैटर्न, देख लो कैसे आ रहा है। ओके, सी, दिस इज हाउ द 3 पैटर्न्स यू कैन सी वेरी क्लियरली, है ना? आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ब्रश मैंने वही रखा है। अभी क्या करेंगे, ये जैसे तीनों कलर खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे हम तीनों कलर्स को ब्लेंड करेंगे, ठीक है? देखना कैसे कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने बीच वाले कलर को येलो ऑकर के साथ ब्लेंड करना चालू कर दिया है। फाइन, बीच बीच में ब्रश को वॉश करते रहना और क्या करना, उसको वाइप भी करते रहना। पानी कम लेना चाहिए क्योंकि ब्लेंडिंग एक्टिविटी है। ओके, ट्राई करो कि आप ज़्यादा कलर से ही काम चला लें। अभी सेम थिंग आई विल बी डूइंग विद द डार्क कलर एंड द क्रोम येलो कलर। ओके, तो ये मैं इसको भी कर रहा हूँ ब्लेंड। ब्लेंडिंग अच्छे से होना चाहिए बच्चों लोग, ध्यान रखना यहाँ पे। ओके, और ज़्यादा घिसना नहीं तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। ओके, जब तक फिनिश नहीं आता तब तक करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, टेक्निक्स याद रखो बेटा, कैसे ब्लेंड कर रहा हूँ मैं। बीच बीच में देखो, ब्रश को क्लीन कर रहा हूँ और फिर उसको यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ओनली ड्रॉप ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी नहीं है। आप देख सकते हो कलर की कंसिस्टेंसी कैसी है ना, वेरी स्मूथ कलरिंग विल बी कमिंग। सी, आप उस पर कलर देख लो कितना कलर है उसमें, राइट? मैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंस अपने कलरिंग में कलर्स को देता हूँ, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। ओके, करते रहना आराम से, जब तक आपको कंफर्टेबल नहीं फील होता आप लोग को करना ही है। ओके, वीडियो भगाने का कोई सेंस नहीं बनता, मैं आराम से अपना टाइम लेके काम करूँगा। ओके, पूरा आखिर तक देखना वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ध्यान देना ठीक से। ओके, अब ये दिख रहा है आपको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, राइट? अभी क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा ब्राउन कलर से अपने लिए कंफर्ट जोन बना रहा हूँ ताकि मैं उसको थोड़ा सा और डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा शेडो इफेक्ट वगैरह दिखने के लिए, वहाँ से डार्क हो रहा है करके, ये सारी चीज़ें
फिर यहाँ से जो हम लोग का कोकोनट का जो फाइबर्स अराइज होने वाला है मैंने वो अपने लिए बना लिया है, राइट। तो ये इस जगह से मैं अपने कोकोनट के फाइबर्स बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ पे डार्क रखा है, फाइन। एंड सिंस द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो स्पेरिकल तो वहाँ से एंड भी हो रहा है ये भी पता चल रहा है। ओके, सिमिलरली हम लोग अपोजिट साइड में करेंगे, बीच में नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखना आपको। ओके, ठीक है, समझ गए। और देखो बीच से मैं फाइबर्स जो बना रहा हूँ छोटे छोटे वो मैं पेरीफेरी रीजन पे लेके जा रहा हूँ, बीच में नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ध्यान देना ठीक से, थोड़ा सा ब्लेंडिंग भी रिक्वायरमेंट होगा तो ब्लेंडिंग भी करेंगे। ओके, देख लेना आपको बड़े इजी से समझ में आ रहा है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिमिलरली थोड़ा सा वी आर गोइंग टू डू द डार्क सरफेस ऑन द अपर पोर्शन ऑल्सो, ठीक है। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, वेरी इजी टेक्निक्स। कर लो पूरा आराम से। फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर के बॉर्डर से भी डार्क रखा है पैटर्न, ताकि मैं बीच में उसको फोकस कर सकूँ लाइट पे। ओके, मुझे लाइट जो पोर्शन दिखाना है हाईलाइटेड एरिया वो मुझे बीच में दिखाना है, एज यू कैन सी देयर, है ना। ये देखो मैंने हाईलाइट कलर करने के लिए फिर से वही क्रोम येलो थोड़ा सा ऐड कर दिया है उसमें, फाइन, ज़्यादा नहीं। और फिर मैंने दोनों साइड से हल्का हल्का ब्लेंड कर दिया है, क्लियर है। ये हो गई ब्लेंडिंग इसकी, कंफर्टेबल फील हो रहा है ना। ओके, सो दिस इज हाउ द ब्लेंडिंग विल बी डन। ओके, फिर से अभी क्या करेंगे, अभी फाइबर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो दो पॉइंट्स में बना रहा हूँ, ये बात रखना दिमाग में, ये ट्रिक होती है यहाँ पे, दो पॉइंट्स आपको रखने हैं और इसी पॉइंट से आपको फाइबर्स इलोंगेट करने आना चाहिए, और 0 नंबर का ही ब्रश यूज़ करना बच्चों लोग, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। ओके, ये रहे फाइबर्स, देखो फाइबर्स कैसे बना रहा हूँ मैं, पेरीफेरीज से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी सेंटर में काम नहीं कर रहा हूँ। ओके, धीरे धीरे हम सेंटर में जाएंगे, पहले पेरीफेरी को क्लियरली कर लो। ओके, बनाते रहना आराम से, कोई घाई नहीं है, पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, वेरी लाइट वाटर। ओके, बहुत कम पानी, ट्राई करना तुम्हारे कलर में उतनी कंसिस्टेंसी हो कि तुम्हारा ब्रश काफ़ी अच्छे से काम करे यहाँ पे। ओके, कलर अच्छे से रेडी कर लेना, सेम थिंग वी विल डू इट सी ऑन द अपर साइड ऑल्सो। देख लो थोड़ा सा डार्क दिखाने के लिए मैंने किया है, एंड सेम थिंग देख लो अपोजिट साइड में भी वही परफॉर्म किया है जो मैंने उसके नीचे के साइड से स्टार्ट किया था। थोड़ा थोड़ा इलोंगेट करेंगे अभी फाइबर, और ये थोड़ा सा मैंने ब्राउन कलर ले लिया अभी, ठीक है। ये जो डार्क कलर मैंने बनाया है इसके लिए मैंने यूज़ किया है पर्शियन ब्लू, और जो नॉर्मल पोस्टर ब्राउन कलर है ना उसमें मैंने मिक्स किया थोड़ा सा पर्शियन ब्लू कलर, एंड देन ब्राउन कलर मैंने मिक्स किया है ताकि मुझे ये डार्क ब्राउन कलर मिले। मैं ब्लैक आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि नए लोग होते हैं तो ब्लैक से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होते और ड्राइंग खराब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, ये जो डार्क ब्राउन है उसको बनाने के लिए मैंने पर्शियन ब्लू कलर यूज़ किया है। तो ध्यान रखना आप लोगों को सारी बातें। ओके, सही, अभी धीरे धीरे हम ब्राउन कलर से फाइबर्स बनाएंगे, डार्क कलर का काम हो चुका है बच्चा लोग, अभी हम लोग क्या करेंगे, सी नॉर्मल ब्राउन कलर से मैं बीच बीच में फाइबर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थिंग्स आर वेरी इजी, बनाते रहना जब तक आपको कंफर्टेबल नहीं हो जाता पूरा कलरिंग, फाइन। अभी आगे भी हम लोग वही करेंगे, क्लियर है। दिस इज हाउ योर कोकोनट विल अपियर, वेरी नाइसली, देख लेना काफी अच्छा लुक आ रहा है। आप क्या करेंगे, हल्के से थोड़े से बाहर के फाइबर्स बनाएंगे ताकि कोकोनट का एक्चुअल जो फील होता है ड्राइंग में वो इसी के वजह से होता है, तो ये एरिया को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आराम से करो, कोई घाई नहीं है। ओके, हाथ को देखो कैसे काम कर रहे हैं, ओके, देख लेना, फाइन, सी स्मॉल स्मॉल हेयर, वेरी स्मॉल हेयर, वेरी लेस कलर, वेरी लेस वाटर, सी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। ओके, बिल्कुल भी मैं यहाँ पे हाथ अपना शेक नहीं करूँगा, डन। थोड़ा सा ऊपर से भी काम कर लेंगे, और थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, हाईलाइट ऐड करने के लिए वाइट और क्रोम येलो को थोड़ा सा और लाइट बना के
फिर बीच में व्हाइट कलर के फाइबर्स ऐड कर दूंगा जो कि हाईलाइटेड रहेगा। क्या रहेगा वो? हाईलाइट्स रहेगा। देख लेना ब्रश में, देख लो कलर कैसे दिख रहा है, लाइट दिख रहा है ना एकदम। और बहुत फाइन लाइंस बनाना है आपको, बिल्कुल भी एक्सेस कलर नहीं यूज़ करना है, नहीं तो आपका सारा ड्राइंग हो सकता है यहाँ पे खराब हो जाए। ओके, गो स्लोली, डू इट नाइसली, डू इट नाइसली। देख लो आपको क्रोम येलो का ही शेड दिखेगा, ज़्यादा करके लाइट होगा और कुछ नहीं। ये मैं हाईलाइट ऐड कर रहा हूँ ताकि आपके जो ड्राइंग है उसमें जान आ जाए। ओके, सी, अच्छा दिख रहा है। ओके, होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। ऊपर ही ऊपर मैंने हाईलाइट किया, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे से भी करेंगे और थोड़ा बीच में ज़्यादा रखना है ताकि आपको वो काफ़ी अच्छे से दिखे। जब तक बैकग्राउंड लाइट नहीं होगा ये हाईलाइट वाला काम नहीं करेगा, ये भी बात ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। सी, पानी नहीं है, ब्रश इज ड्राई, ऑलमोस्ट उसमें कलर ही है, देख लेना लाइन छूट रही है ना बीच बीच में, दैट इज ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग, वही आपको ट्रिक यूज करना है। अभी क्या करूंगा, थोड़ा सा नारियल का जो ऊपर जो ब्लैक डॉट्स होते हैं ना उसको हल्के से बना के मैं वहां पे खत्म कर दूंगा। फाइन, दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी डन। और थोड़ा सा नीचे डार्क शेडिंग दिखाने के लिए, दैट सेट। सी, योर कोकोनट हैज रेडी नाउ। आराम से सीख गए हैं तुम लोग आजकल, चलो इसको थोड़ा सा एंड करते हैं, थोड़ा सा फाइनल टचअप दे देता हूँ, है कि नहीं, कॉपीराइट तो बनता है ना। चलो फिर नाम लिख देते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी, ठीक है। जो बच्चे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट देने की कोशिश कर रहे हैं ये साल, ट्राई कर रहे हैं कोकोनट बनाने के लिए, तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, अच्छे से गो थ्रू करना सारे ट्रिक्स को, बहुत ईजी है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, फाइन, ताकि ये जो ट्रिक्स है आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंच जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू चैनल पे आने के लिए।